माँ भगवती के इस प्रांगण में मैं आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग दूर दूर बटी पैदल चली आज आप सभी लोग ये थमाया छो आप आशीर्वाद दीना कर मैं आप सभी दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। लांगडाउन विधानसभा को सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं, मैं लांगडाउन विधानसभा को चाहती हूँ भारत के अंदर नहीं, पूरे विदेशों के अंदर भी लांगडाउन विधानसभा के बारे में जब चर्चाएं होंगी तो मुझे लगेगा कि जो मैंने प्रण लिया था, मैंने जो सोचा था, मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ। क्या हम अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान चाहते हैं? चाहते हैं। अपने भाइयों के लिए रोजगार चाहते हैं, अपने बेटों के लिए रोजगार चाहते हैं? चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत देखना चाहते हैं? चाहते हैं। शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा को हम मजबूत होते देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? चाहते हैं। और हम सभी लोग आज हम सबको मिलकर ये प्रण लेना है, मेरे साथ हम सबको मिलकर प्रण लेना है कि ये बदलाव हमें लांसडाउन विधानसभा के अंदर लाना है। लांसडाउन विधानसभा की सूरत को हमें बदलना है। इन सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो हमें भरने हैं। जो विकास के गड्ढे 10 सालों तक इस विधानसभा के अंदर हुए हैं, ये एक बेटी का आप सबसे वादा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक बेटी को, एक महिला को, देखिए ये बात आज मैं सोचती हूँ कि हम सबका सौभाग्य भी है कि माता के दरबार में आज हम सब बैठे, माँ के प्रांगण में हम बैठे हैं। और अगर एक नारी कमजोर नहीं है, मैं बता रही हूँ, नारी कोमल जरूर हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं होती। और जब ये बागडोर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बेटी को, एक बहन को, एक नारी को दी है, तो मैं आपसे आज ये वादा कर रही हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस विकास को आपकी ये बेटी आगे बढ़ाएगी।